आदरणीय पिल्लई साहब, यहाँ पे मौजूद वरिष्ठगण, मित्रगण, कोई आएगा तो देख ले और उसको लेना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, मुझे ऐसे बहुत से मौके मिल रहे हैं कि मैं बहुत जगह बाहर निकलूं। 3 मार्च पे फिल्म आ रही है आ गया हीरो, और इस फिल्म के माध्यम से ऐसे कई यूं समझ लीजिए कि मौके मेरे सामने आ रहे हैं कि मैं आप जैसे बहुत से अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करूं। 50, 52, 53 की आयु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि गया, परंतु हम कहें कि आ गया। जीवन सदैव अभिनय प्रदान रहता है। हम जिसे जब इसे देखने लगते हैं बारीकी के साथ, तब नजर आता है कि ये दैवी कृपाएं हर जगह है। वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। वो हीरो हर जगह है। हाँ, वो हीरो हर जगह है, वो हीरो आप में है। जिंदगी है तो तकलीफ आएगी, डरिए नहीं, राइट डिसीजन लीजिए तो आपका हीरो बाहर निकल आएगा। मैंने जिस वक्त ये फिल्म शुरू की तो आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, उस वक्त मेरे पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे। लोगों को लगा अरे यार गोविंदा इतने सालों से फिल्में करता है, कई साल से हमने इसे देखा है एज ए हीरो, इसके पास पिक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे। नहीं थे। मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से बाहर निकला वो पहला राइट डिसीजन था। जैसे ही वो राइट डिसीजन लिया, दिल में ख्याल आया यार मैं फिर हीरो हो जाऊं। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं फिर हीरो हो जाऊं, मैं हर फाइनेंसर से जो फिल्में बनाने के लिए देते हैं वो लोगों से मिला, मुझे कहीं से फाइनेंस नहीं मिला। ये कहकर लोग डर गए कि भैया इस आदमी से हाथ मिलाएंगे तो कांग्रेस तो ये छोड़ आया है और बीजेपी इसे हाथ देगी नहीं, अब हम इससे हाथ कैसे मिलाएं। अब ये मुझ पर कृपा हो गई, मुझे बहुत से ऐसे नए नए शो मिलने लग गए, बहुत ही मामूली, यहां जाओ वहां जाके रिबन काट लो, आप लोग जैसे बहुत से बच्चों से मिलो, मुलाकात करो, ऐसे हाथ हिला दो। और वो सारे इवेंट जो मैं पहले कभी नहीं करता था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, वो मेरा दूसरा राइट डिसीजन था। फिर जैसे ही मुझे पैसे मिले मैंने सोचा भैया ये सालों साल से पैसे तो आ रहे हैं, भगवान ने बहुत ऊपर वाले ने कृपा की हुई है, परंतु इसे राइट जगह लगाया जाए। उसा लगा दिया फिल्म में जिसका टाइटल है आ गया हीरो। और अब ऐसे कई राइट डिसीजन में लेकर ये फिल्म प्रोड्यूस हुई है ताकि यंगस्टर्स आए उसे देखें और ये समझे कि बहुत ही तकलीफ और कष्ट से आदमी भले ही टॉप पे नजर आता हो वो उससे बाहर निकलता है। कब निकलता है? जिस वक्त राइट डिसीजन लेता है। तो लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। और आप लोगों के लिए खास तौर पे मैं बच्चों के लिए जहां जाता हूं वहां पे सदैव ये मंत्र कहता हूं, और आप लोगों के लिए भी पुनः
मंत्र कहूंगा। मैं आया तो भगवान गणेश जी का मंदिर देखा, तो उसी से शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरुवे देव सर्व कार्य सुसर्वदा गणपति बप्पा। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपे वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। अब ये वो गोविंदा है जो पर्सनली मुलाकात कर रहा है। अब आप लोग ये चाहिए, आप ये कहिए कि आप चाहते क्या है। डायलॉग्स अपने आप को बोलने आते हम पर पता लगता है। आप एक्टिंग करते हैं, हम लोग जिस वक्त कॉलेज में हुआ करते थे
तो ऐसे बहुत से एक्टर नजर आते थे आप लोगों के कॉलेज में, शायद होंगे, बहुत लोग एक्टिंग करते होंगे। वो हाथ में फूल लेके ऐसा लगता जैसे कि बस प्यार करने के लिए पैदा हुआ था ये। वो फूल लेके तैयार होके माधव है, माधव तुमसे बहुत लाइव प्रेम आयु कधी कुठे फाईट झाली आणि आम्ही विरारचे सगळे, मग विरारचे लोक कसं करणार काय फाईट? मग बघितलं की समोरचा घाबरला, जसं बघितलं त्याला घाबरला इथे आलाय। लाईफ, जिंदगी हर हाल में सेव कीजिए, हर हाल में संभालिए। एक्टिंग का सदुपयोग जो करता है, अभिनय का जो सदुपयोग करता है, वो जिंदगी में मां बाप के लिए हीरो हो जाता है, वो उसकी प्रेमिका के लिए हीरो हो जाता है, वो उसके भाई बहन के लिए हीरो हो जाता है। सिर्फ अब ये प्रॉब्लम या जिंदगी में कोई तकलीफ आई है तो पता ही है, तो आ गई है, अब इसमें क्या करें? अब हीरो होगा तो क्या डिसीजन लेगा? वो डिसीजन मैं लूंगा तो मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकता हूं। और मुझे नहीं चाहिए कि भैया ये कहीं से कोई आए और मुझे अवार्ड दे और ये कहे कि भैया आहा क्या कमाल की भूमिका निभाई है आपने। अरे ये जिंदगी है यार, इसमें जिस वक्त आप अच्छे आदमी होते हो, अच्छी कृपाएं आप पे होती है, देवियों का साथ होता है, प्रेम होता है, ये जिंदगी ऐसी अच्छी लगती है यार। उसके लिए क्या किसी का हम लोग किसका इंतजार करें कि भैया आप आइए और हम लोगों की तारीफ कीजिए। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे थॉट्स निकलते हैं और आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। तो जिंदगी में जो मौका आए, ये सदैव अभिनय प्रदान रहिए, अच्छा अभिनय कीजिए, अच्छी एक्टिंग कीजिए और आगे निकलिए। आई लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि यहां आते ही मैंने स्पीच दे दी। अच्छा हुआ ही होगा, मुझे स्पीच देने में इतना डर लगता है कि ऐसा लगता है कि भैया हाथ जोड़ता हूँ, गलती से ये नहीं सोचिएगा कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ फिर निकल रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मैं कई जगह इस तरह गया हूँ, घुमा हूँ, पर आप लोगों की व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर व्यवस्था, आप लोग बहुत अच्छे हैं और ये आप लोगों का प्रेम सदैव मेरे साथ रहेगा जिंदगी भर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। और कहिए क्या देखना चाहते हैं? अरे क्या यार, कितना मजा किया। आप जरा बैठिए और देखिए कि हम आपके जितने टैलेंटेड तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत तैयारी की है तो बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत कमाल हुआ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मुझे यहाँ पे आदरणीय सूरज और आदरणीय रीचा आप यहाँ पे लेके आए हैं, तो आप लोग कृपया इधर आइए। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को देखने का मौका मिला है। आइए कृपया इस तरफ आ जाइए। अच्छा इन्हें मिलिए, आप लोगों से मिलाने के लिए बुलवाया था, मुझे कहते हैं कि और थोड़ा सा
प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मेरी बॉडी देख के इधर लोग घबरा जाएंगे और मैं चाहता नहीं हूं कि मैं डरा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हाँ जी कहिए कहिए। कलर साहब आपके साथ डांस करने के लिए कह रहे हैं। मैं हर चीज की शुरुआत जो मंत्रों से करता हूं उसकी वजह यह है कि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना लगे, किसी भी प्रकार का शब्द दोष ना लगे। हम लोगों की जो संस्कृति है, जो तहजीब और तमीज कहलाती है जो दुनिया में, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी प्रकार का शब्द दोष ना लगे, कहीं कोई त्रुटि रह रही हो तो हम देवी से क्षमा मांगते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वर्षानुवर्ष आप लोगों का दिल खुश किया हुआ है, ऐसे ही खुश करते रहे, और यही प्रार्थना है। और आप लोग जिस वक्त आ गया हीरो देख के बाहर निकलेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी तरह से लगेगा नहीं कि इसकी आयु 52-53 ऐसा लगेगा कि यस अभी निकला है, अभी निकला है ताजा इधर बोलो अब तक ताल लगी। और ये चीज आप सब में है, ऐसे कभी नहीं सोचिए आप कि एज हो गई तो आप हिलो नहीं रहे जिंदगी में, एज हो गई तो बच्चे लोग जो कह दे आप जिंदगी में वैसी आपकी जिंदगी हो जाएगी। और आप कह सकते हो कि मैं हूं और जिस वक्त तक इस वर्ल्ड में मैं हूं तब तक जिंदगी में ये तो विश्वास रखना ही पड़ेगा कि देवियां हैं और जिसमें देवियों की कृपा रहती है वो हीरो ही है। और लोग कहा करते हैं आ गया हीरो, मैं जो कुछ हूं वो मम्मी के आशीर्वाद से हूं। मेरी मम्मी ने जिसको छोटा हुआ करता था, ये बहुत कमाल की चीज है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मैंने 48-49 फिल्में साइन कर ली थी, 48-49 फिल्में साइन कर ली। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद 49 की एज तक तुम बच्चे पालो, ये पूरे घर परिवार तुम ही पालो। तो मैं छोटा था, मैं कहा मम्मी 49 की एज में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर उसके बाद तो मैं हीरो रहूंगा ही नहीं। तब मम्मी ने कहा मुझसे कि तुम 49 के हो गए तो तुम जवान हो जाओगे। और ठीक 49 की एज में मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला, पुनः एक्सरसाइज की और किसी शामिल रंगीन होके आना, आड़ टेढ़ चलना, आंखों का फड़फड़ाना, नैदौल में भी हिट है ये स्टाइल सबने माना। उसे देसी मूव से, देसी मूव क्या जो पॉलिटिक्स से निकला है, मॉडर्न बीट पे डिस्को फोड़ दे। आ गया हीरो, डैन टैन टैन टैन, छा गया हीरो, डैन टैन टैन टैन, लव यू ऑल। अब जैसे प्रेम से आया हूं वैसे ही प्रेम से बाहर निकलू, ऐसे कृपा कीजिएगा, कृपया तकलीफ किसी की ना हो, यही आप लोगों से प्रार्थना है।
आदरणीय पिल्ले जी से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट सर। और निकले सर, सर 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 वन वन स्मॉल रिक्वेस्ट है जी सर, एक डांस टीम आए जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पिल्ले साहब एंड साथ में डेफनी जी, और आप बहुत ही अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा माहौल, और वही पुराने दिन याद आ गए जिस वक्त मैं कॉलेज और स्कूल से बाहर ये सोच के निकला था कि कब मैं हीरो हो जाऊं, वो समय और आज वो याद जो है वो पुनः ताज़ा हो गई। ऐसा लगा जैसे कि कब ये 30 साल निकल गए, 29-30 साल। ऊपर वाले ने जो कर्म किया हुआ है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ साथ आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्षानुवर्ष हो गए ये प्रेम जो है बरकरार है और ये रहे। आ गया हीरो 3 मार्च पे लग रही है, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि इस फिल्म का टाइटल है वैसे ही आप लोगों के नज़र गोविंदा होगा, और आदरणीय ऋचा, आदरणीय सूरज, आप लोगों के साथ में यहाँ पे आया हूँ तो आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद आप कितने साल के बाद वापस फिल्म लाइन में? 10 साल। क्या इस फिल्म में क्या दर्शक देखेंगे, क्या कहेंगे दर्शकों से? मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो गोविंदा पहले देखा था 10-15 साल पहले आप लोगों ने जो देखा था वो गोविंदा एज अ हीरो अब आप लोगों को इस फिल्म में देखने मिलेगा। वो इसलिए कि इससे पहले पार्टनर फिल्म आई हो या भागम भाग आई हो, इन सभी फिल्मों में मेरे काम की और नाम की बहुत तारीफ हुई, परंतु इस फिल्म का मैं प्रमुख हीरो नहीं था, और जो किरदार निभा रहा था वो कॉमेडी का था, या फिर जैसे हैप्पी एंडिंग में देखा आप लोगों ने कॉमेडियन किया, या फिर किल दिल में मैंने विलन किया। तो जो वक्त मुझे मिल रहा था वो मैं कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी पुनः वापसी हो फिल्म लाइन में और मैं आप लोग के सम्मुख हो जाऊं, क्योंकि पॉलिटिक्स से मैं निकल आया था। और अब ये होम प्रोडक्शन की फिल्म है, ये मैंने ये सोच कर ये इसे प्रिपेयर किया हुआ है कि आप लोग जिस वक्त इसे देखने के लिए आएंगे तो वो गोविंदा आप लोगों को फिर से देखने मिले जो आप लोग वर्षानुवर्ष देखते आए। मुझे संयोग जो है हीरो के साथ में, खासतौर पे सलमान खान जो है, ये पहली तारीफ जो है वहीं से शुरू हुई, और फिर शाहरुख खान ने कंग्रेचुलेट किया फॉर कमिंग इन फिल्म्स अगेन। तो फिल्म लाइन की तरफ से हो या पब्लिक की तरफ से हो, मुझे ये साथ मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ये माहौल छाया हुआ है पॉलिटिक्स का हर जगह पे, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे संपर्क करते हैं ये सोचने के बाद कि गोविंदा शायद पुनः उस तरफ देखेगा, तो प्लीज़ ऐसी गलतफहमी में नहीं रहिएगा। मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप लोगों के वर्क से बहुत कुछ सीख के समझ के बाहर निकला हूँ, और उसी का ये मुझे अनुभव का जो है ये उसका साथ है कि मैं ये फिल्म बना पाया। अदरवाइज मैं इतना एजुकेटेड इनफ बोलते जैसे वो उस प्रकार का मैं था नहीं, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में वो सूर्य वर्क देख लिया, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आई,
तो दिल में किसी प्रकार की कटुता नहीं है, परंतु मैं अब उस तरफ देखता नहीं। सर एक मराठी मध्ये राजकारणामधून मराठी इंडस्ट्री मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला राजकारणाविषयी भरपूर असं काहीतरी एक ग्राहक असल्यासारखं इन अ व्हेरियस वेज देन ओनली यू कॅन कम आउट विथ अ राईट थिंग दॅट व्हॉट इज गोईंग ऑन इन देअर थॉट्स, व्हॉट इज देअर हू इज ही, व्हॉट इज हिज नेम अँड वाय इज ही सेईंग लाईक दॅट. You cannot understand till the time you really understand it. So I would like to thanks to them, and I have no ill feelings. माझ्या मनात असं काहीच त्रास वगैरे नाही. त्रास असता तर मी सांगित असताना मला त्रास नाही. मला असं वाटलं की तर पथनाट्य हेच पहिलं टायटल असावं असंच माझ्या सामाजिक संदेश देणारे पथनाट्य असतात. सामाजिक संदेश देणारे पथनाट्य. करेक्ट, सामाजिक संदेश देणारे. पूनम पांडे भी आयटम सॉन्ग करने वाली. जी. अब क्या हो गया इस फिल्म में, चित्रपट में क्या हो गया, मुझे इस चीज का डर लग रहा था कि लोग ऐसा नहीं कहे अरे काय त्याला आवश्यकता है आता हिरो व्हायची काय लावलंय काय म्हणून तो असं नाच हे सगळं नाव व्हायला पाहिजे म्हणून मी काय करावं. तर हा जो मी चित्रपटात जो हा करेक्टर मी प्लॅन केला ना त्याचं महत्त्वाचं हे होतं की त्याच्यात हिरोईन सारखं काहीच हिंदी उसमें हिरोइन और हिरो जैसा कुछ भी नहीं है. वो थॉट है दे आर ऑल एक्टिंग एज अ गर्लफ्रेंड और मे बी वाइफ बट शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज नॉट माई वाइफ. ये थॉट है. अभिनय चल रहा है और अभिनय चक्र है. वो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा है उसमें वो ऐसा क्रिएट कर डालता है, ऐसा लगता है कि अरे ये मायावी क्रिएट कर दिया इस आदमी ने इस माहौल में, और ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा. तो वो देखने लायक चित्रपट जो है, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स खास तौर पे वो लोग तो जरूर देखें इस फिल्म को. खास तौर सर तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये उल्लेख केलेला आहे की कुठेतरी अनेक उद्धार फीलिंग्स इन योर माइंड एंड योर हार्ट एवरीवेयर वो लगे की भैया वो हीरो है. सर किती वर्षानंतर, किती वर्षानंतर सर हा चित्रपट आपला प्रकाशित होतो. मला जतीन जतीन